इंडिया की बच्ची ने निकट जरीन जिसका नाम है, उसने वुमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में थाईलैंड की 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लड़की को हरा के 5वां गोल्ड है इनका, जो इंडिया ने आज तक हिस्ट्री में जीता है। बीइंग ए मुस्लिम गर्ल, नो वन सपोर्टेड इन माय फैमिली, नो वन सपोर्टेड इन माय डिस्ट्रिक्ट, देन मेरी मम्मी रोने लग गई थी कि बेटा ऐसे मार खाओगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। जब आप सब कॉन्टिनेंट में बात करते हैं ना, मतलब एक बच्ची उठ के अपने माँ बाप से कहे मैंने बॉक्सर बनना है, तो पहला जो बॉक्स है ना वही उनके घर वालों की तरफ से आ जाता है कि क्या हो गया, मुंह सूज जाएगा, मुंह पे नील पड़ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, शादी कैसे होगी। जय दोस्तों, आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में। दोस्तों, भारत की महिला बॉक्सर निकहत जरीन ने थाईलैंड की महिला बॉक्सर को बुरी तरह से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी निकहत जरीन की जबरदस्त तारीफ की है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत में महिलाओं को काफ़ी सपोर्ट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में महिलाओं को कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला है, तो चलिए देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। थाईलैंड की बड़ा मुश्किल नाम होता है भाई, थाईलैंड वालों का। तो थाईलैंड की बॉक्सर को लाइट वेट फ्लाई वेट कैटेगरी के अंदर निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता, 5वीं इंडियन वुमन बन गई। निकहत जरीन हम्बल बैकग्राउंड से आई हैं, तेलंगंगा से इनका ताल्लुक है। एक ऐसा भी वक्त आया कि मैरी कॉम ने इनसे हाथ मिलाने से माजरत कर ली, इनके इंटरनल भी इश्यूज थे, लेकिन सवेरा एज अ वुमन आई वांट यू टू स्पीक अबाउट इट। मैं बोलूंगा ज्यादती होगी, एक औरत की आज इस विक्ट्री में, एक तो बॉक्सिंग, पाकिस्तान इंडिया की खातून बहुत स्ट्रगल से आगे बढ़ती है, ठीक है। निकहत जरीन का ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनना फ्लाईवेट कैटेगरी के अंदर कितनी बड़ी सक्सेस है एक इंडियन वुमन के लिए तो है ही, लेकिन मैं इस सबकॉन्टिनेंटल एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं कि हाउ बिग इज दिस विन फॉर अ वुमन। हमने मैरी कॉम फिल्म भी देखी है, हमने वो साइना वाली फिल्म भी देखी है कि वो स्ट्रगल जो एक औरत की होती है, बहुत बड़ी। व्हाट डू हैव टू से? वैसे तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारक हो, इट्स अ ग्रेट विक्ट्री कि अभी थॉमस कप आया, फिर उसके बाद ये आ गया। बड़ी बड़ी जीतें मिल रही हैं क्रिकेट के अलावा, जो कि मेरे ख्याल से एक हेल्दी नेशन की क्या कहते हैं एक वो होती है साइन होता है। सो सवेरा, व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस।